नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोंडा शेड का लोको खड़ा है मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर। ये वही लोको है जिससे इंजन ट्रायल किया गया था डालीगंज जंक्शन से सीतापुर जंक्शन के बीच। 24 नवंबर को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी डालीगंज जंक्शन से सीतापुर जंक्शन तक ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। तो 24 नवंबर से पहले प्री सीआरएस इंस्पेक्शन के पूर्व एक सीरीज हम कर रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर। तो उस सीरीज में आज हाल मोहिबुल्लापुर स्टेशन का कि सीआरएस इंस्पेक्शन से पहले कल सीआरएस इंस्पेक्शन होना है, आज मोहिबुल्लापुर की क्या स्थिति है और क्या तैयारियां हैं सीआरएस साहब के अराइवल को लेकर के, उनका स्वागत जब यहाँ पर होगा मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर जब वो इंस्पेक्शन करने आएंगे तो क्या तैयारियां हैं, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर ये वो लाइट लोको है जिससे इंजन ट्रायल किया गया था डालीगंज से सीतापुर जंक्शन तक, जिस इंजन से ट्रायल किया गया था सीआरएस इंस्पेक्शन से पहले, वो यहाँ पर इस समय मोहिबुल्लापुर पर खड़ा है। और कल 24 तारीख को डालीगंज जंक्शन से सिधौली तक कमिश्नर रेलवे सेफ्टी अपना इंस्पेक्शन करेंगे गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का, जो डालीगंज से सीतापुर जंक्शन तक अब बड़ी लाइन हो गई है उसका निरीक्षण है रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा 24 नवंबर को सिधौली तक और सिधौली से सीतापुर तक 25 नवंबर को ये इंस्पेक्शन होगा। और उसके बाद 25 तारीख को ही शाम को सीतापुर से डालीगंज जंक्शन तक स्पीड ट्रायल होगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी ही ओके सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद सीतापुर की तरफ रेलगाड़ियां, यात्री गाड़ियां जो हैं वो चल पड़ेंगी और मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर सीआरएस इंस्पेक्शन से पहले तैयारियां जोरों पर हैं, साफ सफाई चल रही है और यहां पर सभी कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर इस समय देखिए जो पेंट पॉलिश पुताई सब काम है सब पूरे हो रहे हैं। कल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन है 24 तारीख को और ये प्री सीआरएस इंस्पेक्शन जो एक वीडियोस की सीरीज हम कर रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रेवल पर, उसमें आज मोहिबुल्लापुर स्टेशन के हाल आप देख सकते हैं। टॉयलेट्स वगैरह भी जो हैं देखिए, यूरिनल्स वगैरह सब सफा किए जा रहे हैं, टंकी लग गई है, चमकाए जा रहे हैं और पेंट पॉलिश फिर से एक बार किया जा रहा है ताकि स्टेशन बिल्कुल नया लगे और स्वीपर्स वगैरह लगे हुए हैं, साफ सफाई चल रही है, बाउंड्री वॉल का पेंट हो रहा है, यहां पर सिग्नल्स सारे लग गए हैं, जल रहे हैं। तो मोहिबुल्लापुर स्टेशन पूरी तरह से तैयार कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के इंस्पेक्शन के लिए जो कल 24 नवंबर 2018 को होना है सुबह 9:30 बजे के बाद, उसकी तैयारियां मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर जोर शोर से चल रही हैं। पीने के पानी की टूटियां लगनी बाकी हैं, अभी काम चल रहा है, ग्रेनाइट वगैरह लग गया है। जीने वगैरह सब साफ किए जा रहे हैं, देखिए लाल पेंट बीच में हो गया है। मोहिबुल्लापुर स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में काम चलते हुए और अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर सीढ़ियाँ बन गई हैं और इधर टाइल्स वगैरह लगा करके रैंप दिया जा रहा है। कल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आ रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन है, उससे पहले साफ सफाई और अंतिम तैयारियां करी जा रही हैं। बिल्डिंग वर्क्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं।
यात्रियों के बैठने के लिए नई बेंचेस आ गई हैं स्टेनलेस स्टील की। ये बाहर टिकट विंडो जिधर बनेगी वहां पर ये रखी गई हैं। अभी हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, साउंड सिस्टम का देखिए चेक किया जा रहा है। हेलो यात्री जो अनाउंसमेंट सिस्टम यहाँ लगता है, हेलो पैसेंजर्स के लिए उसकी साउंड सिस्टम की जो है देखिए टेस्टिंग हो रही है। कृपया ध्यान दें। बताओ। देखिए एक लोगों को खड़ा हुआ है अभी बोईबल्लापुर स्टेशन पर गोंडा का, और आप देखिए मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर एक और लोको आ रहा है। तो मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर पहली बार ट्रेन एंड ट्रेवल में आप देखिए दो लोग को आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक मेन ट्रैक पे जा रहा है, और रुक गया है अभी, और दूसरा लोको ये अब जाएगा डालीगंज की दिशा में शायद, और चलने वाला है क्योंकि ड्राइवर्स लोग जा रहे हैं। तो ट्विन लोकोस दो लोको देखिए, एक मेन लाइन पे लोको खड़ा है मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर। इस समय तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। कल सीआरएस साहब का इंस्पेक्शन है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आएंगे, तो उससे पहले ये तैयारियां। ये देखिए आपको दो इंजन दिखाई पड़ रहे होंगे, यहां से थोड़ा दूर से शॉट लिया है मैंने। ये मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर ये बहुत ही सुखद नजारा आंखों के लिए, क्योंकि अब बड़ी लाइन का एक्शन शुरू होने जा रहा है ब्रॉड गेज का मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर। अमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है। देखिए लोको जाते हुए सीतापुर की दिशा में, सीतापुर जंक्शन की तरफ एक लोको जा रहा है, और दूसरा जो डीजल इंजन है लोको है वो देखिए मोहिबुल्लापुर पे यहाँ खड़ा हुआ है। ये मोहिबुल्लापुर स्टेशन फुट ओवरब्रिज से ऊपर से नज़ारा, नीचे देखिए WDM-3A डीजल लोको खड़ा हुआ है गोंडा शेड का, और देखने में ये नज़ारा बहुत ही सुखद लग रहा है। दो साल के बाद, लगभग 2.5 साल के बाद एक इंजन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है लोको, और अब रेलगाड़ी चलने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। दिसंबर जनवरी तक रेलगाड़ियाँ चलने लगेंगी, तो ये बहुत ही सुखद नज़ारा मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर। ये ऊपर से एरियल व्यू मोहिबुल्लापुर स्टेशन का, प्री सीआरएस वीडियो की जो सीरीज है उसमें। तो आशा है मोहिबुल्लापुर से आज का अपडेट आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन्स एंड ट्रेवल।